तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, बढ़िया वर्कआउट वगैरह करके फारिग हो चुके हैं, नहा धो के मैं फारिग हो चुका हूं। तो अब मैंने सोचा क्यों ना बढ़िया ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। बनाने वाला हूं वही सब्जी। अब ऐसा है कि मैं एक चीज मिसिंग है, क्या करना एक्चुअली ये है इसकी। देखो बेस सब्जी आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी कुछ रहने वाली, जैसे उसमें मटर हो गए, बीन्स हो गए, गाजर हो गए, ये सब इन्वॉल्व रहता है। बट मेन सब्जी के लिए मैं कोई ना कोई सब्जी चूज करता हूँ। तो आज के लिए मैंने चूज किया है मशरूम। तो मशरूम को खाने से पहले, मतलब सब्जी के बीच डालने से पहले इसको बॉइल करना पड़ता है। तो बस उसके लिए मैं पतीला निकालता हूँ। मौसम को पता नहीं क्या हो जाता है। देखना आज फिर से उस साइड से ही, पहाड़ों वाली साइड से कैसा हो गया मौसम, और वहाँ से कुछ हमारी तरफ को भी आ रहा है। देखो मेरे को तो उस साइड को धुंधुंध सी, मतलब मिट्टी मिट्टी सी लग रही है। तो ऐसा लग रहा है मिट्टी का तूफान आने वाला है भयंकर यार। और हवा देख सकते हो यहाँ भी बहनी शुरू हो चुकी है थोड़ी तेज़। तो कुछ तो है भाई, बट कोई नहीं यार, उससे पहले मैं निकलता हूँ। अब गाइस साइड बाय साइड अपनी सब्जी प्रिपेयर हो रही है, वो बस बनी गई है। भाई तब तक बना रहा है रोटियां, जैसी रोटियां बन जाएगी फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। उससे पहले मैंने सोचा बढ़िया रेडी हो जाते हैं। मैंने आज जाना है यार, मेरे को किसी से मिलना है आज, मैं रेडी हो जाता हूँ। बाकी देखते हैं फिर क्या रहता है क्या नहीं। देखना बादल कितने प्यारे हो गए, तो बताने किसकी तरह लग रहा है ये वाला बादल, किसकी तरह लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में बताना। आ गया मैं 2-3 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। चलो सबसे पहले तो यार कॉफ़ी पीनी पड़ेगी जाके, क्योंकि थोड़ा मतलब ऐसा टाइट फील कर रहा हूँ ना कॉफ़ी पीओगे तो रिजुविनेट हो जाऊँगा एकदम से। बाकी गाइज अभी मैं जा रहा हूँ अभी सेक्टर चंडीगढ़, तो वहाँ मैं जाऊँगा। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ डी टूर लेके पहले मैकडी चलते हैं, वहाँ से कॉफ़ी उठाते हैं और फिर निकल जाएंगे वहाँ के लिए। आज काफ़ी अच्छा लग रहा है इससे बाहर निकल के, मतलब काफ़ी टाइम से यहीं, अरे बस जरकपुर के अंदर या घर के अंदर ही था। इस सोसाइटी में काम ही कहाँ चलता रहता है। पहले मुझे ऐसे साइड बैग्स ले जाना अच्छे लगता था अपने साथ, लेकिन अब कभी कभी, हमेशा नहीं। अच्छी बात यह है आज बाल बन गए, ठीक बन गए, मतलब मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छे बन गए, बट बन गए। इनको शेप दे रहा हूँ ताकि इसी तरह बने, क्योंकि अगर मैं जैसे अपने बाकी हेयर स्टाइल्स की तरह इनको बनाने शुरू करूँगा ना, तो वे भाई मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे बाल कटवाने ही पड़ेंगे। ओ भाई गर्मी है। एक चीज़ और गाइस, मैं अपनी इयररिंग्स फिर से कहीं, मतलब छोड़ चुका हूँ, अब पता नहीं कहाँ, अभी शायद शिमला गए थे तब, आई डोंट नो, मुझे कहीं मिल नहीं रही है तो मैं उसको पहन नहीं पा रहा हूँ। आगे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ गाइस आज की लुक कैसी लग रही है। ये मैंने नई टी शर्ट यूनिक्लो से ली थी, ये बताना कैसी लग रही है। बाकी ये जीन्स है जो मैंने अभी ऑल्टर करवाई थी, काफ़ी टाइम से मैं इसको पहन नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लूज थी, लेकिन ऑल्टर करवाई तो भाई सब सही हो गए। एक और चीज़ भूल गया, घड़ी पहनना भूल गया गाइस। जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे जो जो सामान लगता है, जैसे मुझे एक्सेसरीज पहननी है, हाथ में ग्लेयर्स ले जाने हैं, बैग ले जाने हैं, तो मैं पहले से ना वो सारी चीज़ें निकाल के रखता हूँ बैटरी। आज मैं अपनी घड़ी रखना भूल गया, तो इस करके घड़ी भूल गया आज मैं अपनी तो क्या भाई की, मैं भाई की पहनता हूँ आजकल। वो आजकल एप्पल वॉच ज़्यादा पहन रहा है, मतलब वो एप्पल वॉच ही पहनता है यूजुअली, और उसकी 2 घड़ियाँ हैं वो मेरे काम आ जाती है। लेकिन अब मैं जहाँ पर हर रोज इतना ही रश क्यों होता है गाइस, यार मेरे को ये लेट करवाएंगे। अब मैं अंदर जाके लूँ, अंदर भी लेकिन टाइम लग जाता है। अंदर जाके ट्राई करूँगा क्योंकि ओ नहीं, मूव भी कर गई गाड़ी, चली पड़ते आगे, छोड़ो परे, पीछे से भी मेरे, क्योंकि गाड़ी आगे अभी तक नहीं थी। बात करने के चक्कर में मैं ये भूल ही गया कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आनी चाहिए। बाकी एक और चीज गाइस, मुझे धीरे धीरे करके ना सारी चीजें याद आ रही है, मैंने परफ्यूम भी डाले। इट मैटर्स यार, जब भी आप बाहर जा रहे हो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, और वो भी मैं भूल गया। हफ्ते के अंदर भी ये हो जाता है कि आप भूलने लग जाते हो चीज़, आपको आदत नहीं रहती है कि हाँ भाई, कभी कभार कितनी अच्छी किस्मत हो जाती है। अपनी टर्न 5 मिनट के अंदर आ गई, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, वो कैसे क्योंकि बेचारे उनके लिए मुझे दुख हो रहा है। 2 गाड़ी वाले बेचारे ऐसे फंस चुके थे जो ऑर्डर नहीं करना चाहते थे उसकी वजह से अपनी टर्न एकदम से आ गई। बस उसके बाद पाजी की टर्न आ गई, फिर इसके बाद अब मेरी टर्न आएगा। 5 मिनट के अंदर सारा का सारा ट्रैफिक क्लियर हो गया। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो, कहीं ना कहीं कुछ सही तो हो गया, क्योंकि अब मैं लेट भी हो रहा हूँ आगे पहुंचने के लिए यार। भाई साहब मजेदार, क्या ही बढ़िया। एक ही सिप में आंखें खुल गई गाइस, वेरी नाइस। तो चलो टाइम टू लीव। शिट यार, गलत साइड को आ गया मैं, आगे यहाँ पर काम चल रहा है, और वैसे भी मेरे को सीधा आगे जाना है काम, मेरे को लेफ्ट में होना चाहिए था, मैं कहाँ सबसे एंड में राइट में घुसा पड़ा हूँ। ऊपर से काम चल रहा है यहाँ पर यार, चलो चलो गाइस। उसको देखना आगे से बेवकूफ को।
और ये ट्रैफिक देखना यार, इस बेवकूफ को देखना कहाँ से निकला है भाई, वो कहाँ से निकला है वो, और वो क्यों, ये देखना इतनी लंबी लाइन लगी है ट्रैफिक की, थोड़ा लेट क्या हो गया यार। गाइस शाम को मेरा मतलब अभी 5 बजने वाले थे, 4:30 ऑलरेडी हो गए, वैसे ही जो मिलने का प्लान था वो थोड़ा लेट था, मैं बोल भी रहा था थोड़े जल्दी मिल लेते हैं, बट वही यार फिर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं सारी चीज़ें, तो अब लेट के चक्कर में देखो अभी वापस के लिए कितना ज़्यादा रश है गाइस, पूरे फ्लाईओवर में भरा पड़ा है भाई ट्रैफिक, पूरी लंबी लाइन लगी है, सोचो जा तो रहा हूँ वापस में नहीं मिलना चाहिए भाई ऐसा रश, फंसा रह जाऊँगा भाई, 1 घंटे से पहले मैं फ्री नहीं होऊंगा यहाँ से, और मुझे रिग्रेट सा हो रहा है, मैं जा क्यों रहा हूँ, बट जाना ज़रूरी है, नो रिग्रेट्स, जाना ज़रूरी है, काम फर्स्ट गाइस, बाकी सब तो होता रहेगा। यार लाइन तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, जहाँ से नीचे बल्टाना वाली साइड से भी आते हैं ना या शिमला वाली साइड से भी आते हैं वहाँ तक के लाइन देखो, यहाँ तक है भाई लाइन लास्ट, इतना ज़्यादा रश क्यों है आज फ्लाईओवर में, कुछ हुआ तो नहीं, पतली साइड हो सकता है तभी लगता है, या तो कोई काम चल रहा होगा कुछ हुआ होगा तभी लगता है ऐसा रश, बट बीच में उस बेवकूफ को देखा था यार वो अर्टिगा वाला कहाँ क्रॉस करके आ रहा है यार, उसको साफ दिख रहा है कि ऑपोजिट साइड से भी ट्रैफिक चल रहा है भाई, वो भी फुल स्पीड में ऐसे टाइम पे, हु नोज यार, बट क्या बेवकूफ़ी थी वो यार, ऐसे तो फिर ये बड़ी गाड़ी वालों को तो फायदा ही है, कभी भी पैराफिट क्रॉस करके दूसरी लेन में आ जाए। वेलकम टू चंडीगढ़, वाओ जल्दी होने वाला है सनसेट और उसी के साथ मेरी लाइट भी होगी बट सनसेट होने वाला है ना, और कितना प्यारा हुआ है ना इस टाइम चंडीगढ़ यार। अभी एकदम से मुझे एक्चुअली मैंने जो मेरी एड थी वो मैंने बना दी थी ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन पहले, और एडिट वगैरह करके सब रख दी थी, और मुझे ये लगा था कि मैंने वो आगे फॉरवर्ड भी कर लिया अप्रूवल के लिए, बट मुझे जस्ट अभी फ़ोन आया कि आपने ऐड नहीं भेजी, कब से वेट कर रहे हैं, भेजिए क्यों नहीं भेजिए, हमें आपकी कोई भी ऐड नहीं मिली, आपकी कोई भी वीडियो नहीं मिली, तब जाके चेक किया भाई मैंने, सीरियसली आगे फॉरवर्ड की ही नहीं थी, सब कुछ बना बनो के सब रखी है, तो फिर अभी गाड़ी साइड में लगाई, अब जाके भेजिए, तो वाला काम डन हो गया गाइस। बाकी जिसके लिए काम के लिए मैं स्पेशली आया था, जिससे मिलने आया था उनसे भी मिला मैं, बट ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया क्योंकि उनको कहीं जाना पड़ गया था अर्जेंटली, तो इसलिए हमने सोचा कोई नहीं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी देखते हैं कल नहीं तो परसों फिर से, हमने वैसे प्लान बनाया मिलने का, तो देखते उस टाइम। गाड़ी देखना गाइस, ओ डैम BM है गाइस, BM वो भी, ओ भाई गाइस ये देखना एक और गाड़ी, ये देखो, ओ माय गॉड, एंड दिस इज अ 2-सीटर गाइस, दिस इज अ 2-सीटर कार, लेक्सस है, और एंड इट इज सो डैम ब्यूटीफुल यार, सो डैम ब्यूटिफुल। तो अभी मैं 26 से निकला, तो मैं सोचा 27 के अंदर अंदर होके 28 वाली साइड निकल जाऊंगा और वहां से घर की तरफ निकल जाऊंगा, और यहाँ पर ओ भाई यहाँ पर गाड़ियां मुझे पता है एक से एक होती है, बट ये नेक्स्ट लेवल यार। बट एक चीज ये गलत होगी यार कि अगर मुझे ऐसा पता होता उनको इतनी जल्दी निकलना पड़ जाता, बट उनको भी नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट, उनको भी फोन है अभी एकदम से तब निकलना पड़ा, बट अगर ऐसा ही पता होता कि भाई हाँ आधे पौने घंटे के लिए हम मिलने वाले, तो शायद मैं कैंसिल करके फिर कल नहीं तो परसों के लिए रखता, बट चलो कोई नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब चलते हैं गाइस वापस घर की तरफ, एक बारी भाई को फोन करके पूछ लेते हैं, कुछ सामान तो लाना है। गाइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक तो ये ट्रैफिक खत्म हो गया होगा, लेकिन नहीं, अभी तक इस फ्लाईओवर में जाम ही जाम है, और वैसे ही अब धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ रही है, ट्रैफिक क्या है वो उसका मुझे पता नहीं है गाइस, बट हाँ मैं भी इस ट्रैफिक में फंस चुका हूँ, सोचा था मैं कोई और रास्ता चूज़ करूँगा, बट मुझे समझ नहीं आया कुछ, मैं ये रास्ता चूज़ किया, यहाँ तक तो मैं बहुत जल्दी पहुँच गया, भाई को मैंने बोल दिया कि मैं भाई आ जा बाहर चलना है, तो हो जा रेडी, तो मैं आ गया बस, उसको मैंने बोल रखा है मुझे यहाँ टाइम लग गया, तो फिर बट बाकी कुछ नहीं गाइस, ये देख लो सनसेट बहुत प्यारा होने वाला है अभी यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पहुँच गया हूँ मैं, मतलब फ्लाईओवर बस नीचे ही उतर रहा है, मुझे मुड़ना है लेफ्ट साइड को, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पीछे वाले रास्ते से एंट्री करूँगा अपनी सोसाइटी में, क्योंकि मेन रोड पे तो मुझे लग रहा है ट्रैफिक इतना है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, अब मैं और भाई भी कैसे बाहर आएंगे मुझे वो समझ नहीं आ रहा है,
बाकी जस्ट अभी मम्मा से बात हुई गाइज, तो यार दिक्कत आ रही है काफ़ी सीज़न लगाने में। सीज़न अभी हमारा सच बताऊँ तो आज से तो तुड़ान शुरू हो जाना था, मतलब एप्पल तोड़ने शुरू कर देने थे आज, हमने हो नहीं पाया क्योंकि हमारी सड़क हमारे मतलब बगीचे से सड़क कनेक्ट करती है ना चौपाल को, उसके बुरे हाल है यार। मम्मी पापा बोल रहे पिछले हफ्ते से, मतलब एक हफ्ते से लेकर हम उस सड़क को ही ठीक करें, लेकिन अभी तक वो सड़क ठीक नहीं हुई है क्योंकि वो चौपाल से लेकर हमारे घर तक, मतलब हमारे बगीचे तक जहाँ हम सेब उतारते हैं वहाँ तक उस सड़क के इतने ज़्यादा बुरे हाल है ना यार कि क्या ही बताऊँ। ऊपर से बारिश है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो मतलब उसकी वजह से वो कीचड़ इकट्ठा हुए जा रहा है, उसकी वजह से वो सड़क के और बुरे हाल होते जा रहे हैं। इसकी वजह से ना हमारे को एप्पल सीजन लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पापा ने वीडियोस भी भेजी थी तो वो मैं अटैच करने की कोशिश करूँगा। पक्का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, ये देख रहे कांच ही कांच, और उस साइड को देखो वो पार्ट्स जैसे भी दिख रहे हैं गाड़ी के या बाइक के, पता नहीं किसके हैं, बट हाँ यहाँ एक्सीडेंट हुआ है गाइस। तब ये ट्रैफिक लगा हुआ है इतना ज़्यादा, लेकिन अभी तक अब क्या आगे भी कुछ हुआ है आई डोंट नो, जिसकी वजह से ट्रैफिक अभी तक लगा है। अब देखो लाइन एक तो नीचे फ्लाईओवर के नीचे से भी लाइन आ रही है, अब मुझे लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना मुझे मुश्किल हो जाएगा, वो देख रहे हो वहाँ बस उसके आगे से मुझे लेफ्ट मुड़ना है। अरे क्या चल रहा है, पीछे से आया तो पीछे भी ट्रैफिक लगा हुआ है यार, और यार आगे की लाइन में स्किप कर गया है मैं, वहाँ तो अभी टाइम लगना है मुझे सोसाइटी तक पहुँचते, तो मैंने सोचा यहाँ ओके चलता हूँ पीछे वाले रास्ते से। भाई मेरा नीचे आ गया, वो वेट कर रहा है कब से, मैंने उसको बोल दिया था क्योंकि उस टाइम की पहुँचने वाला हूँ तो आ जा, वो बेचारा नीचे आ गया सोसाइटी के नीचे अपने टावर के नीचे खड़ा है, वो वेट कर रहा है मेरा, मेरे को फ़ोन कर रहा है कि आ जा भाई। ओह यार उस चक्कर में मैंने सोचा भी पीछे वाले रास्ते से चलता हूँ जल्दी निकल जाऊँगा, बट किस्मत फूटी। अच्छा यहाँ पर भी तो काम चल रहा है यार, वहाँ जो फंसते हैं। शिट यार मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, मैं आज ऐसे ऐसे रास्तों से आया हूँ जिसकी हम बात करते थे कि इन दिन से आएगी कभी, उनसे आया आवाज़ में, क्योंकि पीछे वाले रास्ते से कोशिश कर रहा था पहले, वहाँ भी ट्रैफिक मिला, फिर वापस घूमा, फिर एक शॉर्टकट लिया, फिर जाके गाइस हम उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि आगे मैकडी वाली साइड को ट्रैफिक ना हो शायद, तो बाहर चल के पता लगेगा। बट एक बार हम उससे छूट के आए, मतलब मैं एक बार उससे छूट के आया, दोबारा हम उसमें फंसते कि नहीं आई डोंट नो।